हेलो एस्पिरेंट्स, 23 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स हमें आज पढ़ने हैं, तो जल्दी से उठाएं पेपर पेन एंड करें अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। फर्स्ट न्यूज़ है, अ कॉन्फ्रेंस ऑन रेटिंग ऑफ बिल्डिंग्स ऑफ एरियाज़ फॉर डिजिटल कनेक्टिविटी। अब इतनी लंबी ये है, आपने याद रखना है, रेटिंग ऑफ बिल्डिंग्स की कोई कॉन्फ्रेंस है तो वो किसने ऑर्गेनाइज करवाई है, राइट? सो इट हैज़ बिन ऑर्गेनाइज बाय ट्राई। ट्राई क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जितने भी ये होते हैं ना, जो टेलीकॉम्स मतलब जैसे सिम्स होती हैं हमारी, वोडाफोन है, BSNL है, जियो है, एयरटेल है, आइडिया है, वोडाफोन, ये सारी जितनी भी सिम्स हैं इनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो ट्राई डिसाइड करता है, ठीक है? तो अब आप समझ गए क्या है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इनकी जो कॉन्फ्रेंस है रेटिंग्स ऑफ बिल्डिंग्स वाली, ये हुई है न्यू दिल्ली में, राइट? और जो ट्राई है ये कब बना है? 1997 में बना है। चेयरमैन है PD वघेला। देखिए, पहले जब हम करंट अफेयर्स पढ़ते थे ना, तो ट्राई का बहुत जिक्र होता था, इसकी काफ़ी कमांड थी, बट आजकल इतना नहीं है न्यूज़ में। फिर भी आपको पता होना चाहिए, इसकी फुल फॉर्म आपको टिप्स पे होनी चाहिए, और कब बना है चेयरमैन आप बेशक रहने दीजिए याद करना, बट कब बना है आपको पता होना चाहिए, इसका काम क्या है, रूल्स है। जैसे देखिए RBI है ना, वो सारे बैंक्स का रेगुलेटर है, ठीक है? वैसे ही हमारा ट्राई है, जितने भी सिम कार्ड्स हैं, मतलब कह लीजिए ये ऑपरेटर्स हैं, केबल ऑपरेटर्स, इन सबको कंट्रोल करता है, राइट? चलिए नेक्स्ट पॉइंट आज का पढ़ते हैं, सस्टेनेबल कंजप्शन ऑफ एनर्जी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड एट। ये जो कॉन्फ्रेंसेज होती है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इनसे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है सस्टेनेबल कंजप्शन ऑफ एनर्जी की, ये कहाँ पे हुई है? IIT गुवाहाटी। और मैंने आपको हज़ारों बार बताया है, कहीं भी IITs का जिक्र हो तो उसको रट लेना है आपने। आपने याद रखना है कंजप्शन ऑफ एनर्जी गुवाहाटी में हुई है, ठीक है? थर्ड कॉन्फ्रेंस हुई है इस बार, जो इस तरह की जो है ये थर्ड कॉन्फ्रेंस है। इससे पहले दो हुई हैं, एक लेह में और दूसरी भोपाल में। चलिए ये भी हो गया। अब ये जो कॉन्फ्रेंस है इसको ऑर्गेनाइज किसने करवाया है? सो इट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज बाय पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया प्लस विज्ञान भारती। याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आते हैं। अब इसका कोई थीम ऐसा नहीं है, यहाँ पर मैंशन नहीं था तो मैंने नहीं लिखा है। थर्ड पॉइंट अब आपका आता है, इंडिया प्लस नॉर्वे ने, इन्होंने क्या किया है? दे ज्वाइंट हैंड्स फॉर ग्रीन मैरिटाइम सेक्टर। ग्रीन मैरिटाइम सेक्टर के लिए हाथ मिलाएं, दोस्ती किए हैं, एग्रीमेंट किया है इंडिया और नॉर्वे ने। नॉर्वे की कैपिटल क्या है? ऑस्लो। क्या ये एशियन कंट्री है? नो, इट इज़ एन यूरोपियन कंट्री, ठीक है? और इन दोनों की मीटिंग हुई है कहाँ पे? मुंबई में, ठीक है? अब आपको याद हुआ, हमने प्रीवियस वीडियो में ग्रीन शिपिंग के बारे में पढ़ा था। तो ग्रीन शिपिंग क्या होता है? पहले तो शिपिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंट टर्म है, इसलिए यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। देखिए, शिपिंग, हम कुछ भी परचेज करते हैं अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, हम बोलते हैं ना शिपिंग चार्जेस लग रहे हैं इस पर, मतलब डिलीवरी चार्जेस। एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है तो उसके लिए जो चार्जेस लगते हैं उन्हें कहते हैं शिपिंग चार्जेस। ग्रीन शिपिंग क्या होता है कि आपने सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, बट इस तरह से भेजना है कि वो एनवायरमेंट की तरफ कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करे, कुछ लॉस ना हो, ठीक है? ग्रीन हाउस गैसेज ना प्रोड्यूस हो, पॉल्यूशन ना प्रोड्यूस हो, मतलब कोई ऐसी चीज़ ना प्रोड्यूस हो जिससे को इफेक्ट हो, है ना? एनवायरनमेंट के सस्टेनेबिलिटी में वो हेल्प करें। चलिए, ये टर्म आपको पता होनी जरूरी है। ग्रीन मैरिटाइम सेक्टर जो है, मैरिटाइम मतलब नेवल, पानी से रिलेटेड, शिपिंग, शिप्स, जहाज, ठीक है? तो ग्रीन मैरिटाइम सेक्टर भी कुछ वैसा ही है, राइट? चलिए फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। इससे पहले वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। फोर्थ पॉइंट है, 47th इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन क्वालिटी कंट्रोल सर्कल। ये इंटरनेशनल लेवल की कन्वेंशन हुई है क्वालिटी कंट्रोल सर्कल के लिए, 47th एडिशन इसका है, शॉर्ट फॉर्म इसकी देख सकते हैं आप। कहाँ हुई है? जकार्ता, इंडोनेशिया में हुई है, ठीक है? यहीं पे गोल्ड अवार्ड कौन सी क्वालिटी कंट्रोल टीम को मिला है? तो NTPC की, ये है उंचहार अभ्युदय टीम, इन्हें मिला है। ये क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट ये है कि थीम क्या था इसका, क्योंकि गोल्ड अवार्ड और भी डिफरेंट कैटेगरीज में बहुत सारी क्वालिटी कंट्रोल टीम को मिले हैं, तो वो भी फिर अगर देखने लगे पढ़ने लगे तो लंबा हो जाएगा, तो ये इतना नहीं बनता। यहाँ पर आप थीम देखिए, बिल्ड बैक बेटर थ्रू क्वालिटी एफर्ट्स। आपने ये याद रखना है, क्वालिटी एफर्ट्स, ठीक है? बैक बेटर क्वालिटी एफर्ट्स याद रखना है। अब देखिए, पूरा थीम तो हम रट नहीं सकते, अदरवाइज हमने कितनी कॉन्फ्रेंसेस पढ़ ली अभी पिछले एक दो वीक्स में ही, तो हम इतने थीम से याद करने लगेंगे तब तो बात कहाँ जाएगी। तो आपको थीम से याद नहीं करने हैं, बट रिलेट करने हैं, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एफर्ट्स, कुछ इस तरह से, ठीक है? ताकि, क्योंकि आना क्या है, पेपर में तो MCQs ही आने हैं, तो वहाँ पर अगर आप MCQ कर पाते हैं मतलब आपकी मेहनत रंग ला रही है, अदरवाइज़ जीरो,
ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। बट आप लोगों ने कहा था कि जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लाएं, तो मैंने कोशिश की है कि मैं डिफरेंट जैसे कि स्पोर्ट्स पे हो गया, एनर्जी पे हो गया, एनवायरनमेंट पे हो गया, नेशनल इंटरनेशनल तो मैं करंट अफेयर्स कवर करती हूं, तो मैंने हर एक एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश की है। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है वो है अबासर बेउरिया। ये जो है कौन है, पास्ट अवे रिसेंटली, फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर है। फॉर्मर होता है मतलब पहले भारतीय राजदूत थे, ये उड़ीसा से थे, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए सिक्स पॉइंट आता है, गवर्नमेंट हैज़ रेज्ड मैक्सिमम टेन्योर ऑफ पीएसयू बैंक सीईओ टू। इसका मतलब है कि भारत सरकार ने क्या किया है, टेन्योर आप समझते हैं कार्यकाल, जैसे हम बोलते हैं ना प्रेसिडेंट का कार्यकाल 5 साल का है, इस तरह से तो सरकार ने क्या किया है, जो कार्यकाल है, जो पीएसयूज होते हैं ना, जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं, है ना, तो इन बैंक्स जो पीएसयू बैंक्स हैं इनके सीईओ का कार्यकाल टाइम पीरियड टेन्योर बढ़ा दिया है। अर्लियर 5 ईयर्स था कि कोई भी बैंक है पीएसयू बैंक उसका सीईओ 5 साल तक काम करेगा, मतलब 5 साल तक पोस्ट पर रहेगा, अब बढ़ा के 10 ईयर्स कर दिया है ताकि उनकी जो एक्सपर्टाइज है उसको अच्छे से अच्छे यूज़ किया जा सके, क्योंकि बहुत एक्सपर्ट इंसान है सिर्फ 5 साल काम कर रहा है फिर नहीं, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उनसे प्रोडक्टिविटी ली जा सके। इसलिए नाउ इसमें भी कंडीशन है, सब्जेक्ट टू सुपर एन्यूएशन एज ऑफ 60 ईयर्स, पर ऐसा नहीं कि 58 ईयर्स में बन रहा है और 68 ईयर्स तक रहेगा, नहीं, मैक्सिमम एज 60 साल ही होगी। ठीक है, चलिए अब अंडर, अब ये कौन सी स्कीम के अंडर हुई है जो ये बदलाव हुआ है, तो ये हुआ है अंडर नेशनलाइज्ड बैंक्स अमेंडमेंट स्कीम 2022। ठीक है, चलिए सेवन पॉइंट की तरफ चलते हैं, बट आगे चलने से पहले आपको कुछ इन्फॉर्म करना चाहूँगी, अगर अब आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें, जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट अपीयर हो जाएगा, एंड देन अगर अब आप चाहें तो मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। फाइन, सेवन्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं, वर्ल्ड फिशरीज डे। वर्ल्ड फिशरीज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 21 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों, क्योंकि अब ध्यान से सुनिएगा, क्रिएटेड इन 1997 व्हेन द वर्ल्ड फिशरीज फोरम वाज फॉर्मड इन न्यू दिल्ली बाय रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 18 कंट्रीज। इसका मतलब है जो ये वर्ल्ड फिशरीज डे है ये सेलिब्रेट किया जाएगा 21 नवंबर को, ये डिसाइड किया गया था 1997 में, क्यों, क्योंकि इस दिन मतलब इस साल वर्ल्ड फिशरीज फोरम, ठीक है, ये बनी थी न्यू दिल्ली में और 18 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, उन्होंने मिलकर इसे बनाया था। ठीक है, तो अपने दिमाग में रखिए वर्ल्ड फिशरीज डे कब मनाया जाता है, 21 नवंबर को मनाया जाता है। इसी के साथ आपको एक सजेशन और देना चाहूँगी, देखिए जितने भी डेज आ रहे हैं पहले तो आप पूरा लिखते रहिए साथ में जब तक नवंबर कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, जब लास्ट डे आ जाएगा नवंबर का, करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गए, मैंने दिसंबर के स्टार्ट कर दिए, उस टाइम पर उठाइए अपने सारे पुराने, लिखिए एक पेज पर कि 1 नवंबर को कौन सा डे मनाया जाता है, 2 को कौन सा, 3 को कौन सा, ऐसा एक पेज लगेगा, जाएगा कुछ नहीं, और साइड में पेंसिल से थीम लिखना, थीम पेन से नहीं लिखना क्योंकि वो हर साल चेंज होगा, पेंसिल से थीम लिख लेना। ठीक है, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, तो साइड में पेंसिल से थीम लिख लेना, और क्योंकि वो हर साल चेंज होता है तो हर साल थोड़ी आप डेज लिखते फिरेंगे, इतना टाइम कहाँ होता है, और भी तो सब्जेक्ट्स पे टाइम देने, तो आप इस अप्रोच को अपना सकते हैं। ठीक है, चलिए एट्थ न्यूज़ देखते हैं क्या है, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 रैंकिंग्स रिलीज्ड। जल जीवन सर्वेक्षण, इसे तो पता ही लग रहा है रैंकिंग्स रिलीज हुई हैं 2023 की, जल जीवन मतलब सबसे ज़्यादा टैप कनेक्शंस कहाँ हैं, इससे रिलेटेड कुछ होगा, है ना, तो यूपीज डिस्ट्रिक्ट्स हैव परफॉर्म्ड वेल, जो यूपी के डिस्ट्रिक्ट हैं उन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है यहाँ पे। फिर आता है शाहजहानपुर डिस्ट्रिक्ट, अब जो शाहजहानपुर डिस्ट्रिक्ट है इसको अवार्ड मिला है, या कह लीजिए टाइटल या कुछ भी अवार्ड मिला है, टॉप्ड ऑल ओवर द इंडिया इन बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट, सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा रहा है जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की रैंकिंग के हिसाब से, शाहजहानपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ का है, यूपी का है। ठीक है, तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, हमें लगता है पता नहीं कहाँ से आते हैं, बट डिफरेंट वेबसाइट से मैं डेटा कलेक्ट करती हूँ, एप्लीकेशन से डेटा कलेक्ट करती हूँ, ताकि हर तरह हर एक चीज़ को, हर एक साइट के डेटा को मैं कलेक्ट कर सकूँ और आप लोगों को एक ही जगह पे सारा का सारा कंटेंट मिल जाए। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, राइट। नाइन्थ पॉइंट हमारा क्या है, चेयरमैन बने हैं, न्यू चेयरमैन अपॉइंटमेंट हुई है GPAI। GPAI क्या है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आपको समझाऊंगी, पहले इस पॉइंट को कवर कर लेते हैं। सो न्यू चेयरमैन बने हैं ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, तो कौन बने हैं, तो ये कोई पर्सन नहीं है, कंट्री है, इंडिया के पास ये चेयरमैनशिप अब आई है,
पहले फ्रांस के पास थी, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा है क्या? इट इज़ एन इंटरनेशनल प्रोग्राम टू प्रमोट द यूज़ ऑफ AI इन रिस्पॉन्सिबल एंड ह्यूमन सेंटर डेवलपमेंट। ये एक ऐसा इंटरनेशनल प्रोग्राम है जो प्रमोट करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ इन रिस्पॉन्सिबल एंड ह्यूमन सेंटर डेवलपमेंट। समझ आइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ प्रमोट करता है, ये मैं आपको भी समझाऊंगी, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। इसमें टोटल 25 कंट्रीज है, 25-25 कंट्रीज का ग्रुप है। इंडिया जो है वन ऑफ द फाउंडर मेंबर, इंडिया जो है फाउंडर मेंबर ही है एक तरह से। 2020 में जो है ये इंडिया इसका पार्ट बना था या इंडिया ने इसको फाउंड किया था। अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तो देखिए ह्यूमंस है ना, हम हमारे अंदर कैसी इंटेलिजेंस है, नेचुरल इंटेलिजेंस है। हम 2+2 4 भी कर सकते हैं, कई बार जैसे छोटा बच्चा है 2+2 5 भी कर सकता है, तो ह्यूमन से गलती हो जाती है, चांसेस है गलती हो जाएंगे। अब मैं लिख रही हूँ जैसे यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई तो मैंने वो करेक्ट कर दी, तो क्या है, ह्यूमन है, गलती कर सकता है। तो हम में क्या है, नेचुरल इंटेलिजेंस है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस में होती है, जो कि मशीनरी जैसे रोबोट्स हैं, कंप्यूटर्स हैं हमारे, लैपटॉप्स हैं, हमारा फ़ोन है। अब फ़ोन में ऐड कीजिए 2+2, वो हमेशा 4 ही बताएगा, वो कभी गलती से 3 नहीं बताएगा या वो कभी गलती से 4.5 नहीं बताएगा, 2+2 4 ही बताएगा। चलिए ये तो छोटी सी बात है, आप 521 × 521 कीजिए, अपनी कॉपी पर कीजिए, आपसे गलती होने के चांसेस हैं। मोबाइल पर कैलकुलेटर पर कीजिए, क्या आपसे गलती, क्या कैलकुलेटर गलती कर सकता है? नहीं। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है कि आर्टिफिशियली किसी और डिवाइस में ऐड की गई है, ठीक है। अब जो भी ऐसा, जो भी आपकी कैलकुलेशंस करते हैं, लैपटॉप है, जो भी मैंने आपको बताई, सारे क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डिवाइसेज है। ह्यूमन क्या है, नेचुरल इंटेलिजेंस है ना। चलिए आई होप आपको AI समझ आ गया होगा, आपको दूसरी बार कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप गूगल पे करेंगे ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्रीफली डिस्क्राइब कीजिए, तो वो क्या करेंगे, इतनी भारी भरकम आपको डेफिनेशन बता देंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा। तो अगर आपने वीडियो में ध्यान से सुना है तो आई बिलीव आपको दूसरी बार सुनने की जरूरत नहीं होगी, है ना। तो चलिए इसी के साथ हमारा सेकंड पेज भी हो गया कंप्लीट। अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। आज का 10th पॉइंट है इंदिरा गांधी प्राइज़ 2021, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इंदिरा गांधी प्राइज़ 2021 किसे दिया गया? प्रथम एजुकेशन है, इन्हें दिया गया, ये एक संस्था है, बच्चों के एजुकेशन की तरफ ये काम करते हैं। इट इज़ एन NGO वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के लिए ये काम करते हैं, ठीक है। नाउ इंदिरा गांधी प्राइज़ 2021, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, हल्का सा जानना ज़रूरी है, आप इसे ना भी लिखें तो चलेगा, सिर्फ सुन लीजिए, ये फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा। ऑल्सो नोन एज इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट। क्वेश्चन आ सकता है इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट 2021 किसे मिला, तब भी आंसर आपका प्रथम ही रहेगा। इंदिरा गांधी प्राइज़ आया तब भी आंसर आपका प्रथम ही रहेगा। नाउ इट इज़ गिवन एनुअली बाय इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे भी लिख लीजिए। जो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट है वो इस प्राइज़ को देती है, किसी इंडिविजुअल को भी दिया जा सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपने दिमाग में वैसे रख लीजिए। कैश अवार्ड है 2.5 मिलियन INR, डॉलर्स नहीं है, इंडियन रुपीज़ है, ठीक है, याद रखना है, 2.5 मिलियन, ठीक है। प्लस अ साइटेशन मिलता है, साइटेशन मतलब मूर्ति प्राइज़, ये सब कुछ मिलता है साथ में। चलिए बैच 11 ये भी हो गया, अब 11th पॉइंट की तरफ चलते हैं। वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, बार बार बोलने की ज़रूरत ना पड़े। 11th पॉइंट हमारा आता है इंडिया फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? चिरंजीवी नहीं पता, साउथ इंडियन एक्टर हैं, देख सकते हैं आप, इन्हें 2006 में पद्म भूषण अवार्ड भी मिला है, अगर तो आपने मूवीज़ देखी होंगी, ठीक है, नहीं देखा तो अभी के अभी गूगल पे सर्च कीजिए चिरंजीवी, वहाँ पे आप इनकी फोटो देखेंगे, आप पहचान जाएंगे। फिर जब आप एक बार फोटो देख लेंगे ना तो आपके दिमाग में घुस जाएगा पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर इंडियन फिल्म 2022 कहाँ पे, IFFI में। IFFI क्या है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, 53rd एडिशन हुआ था, गोवा पणजी में हुआ था। इसके बारे में ऑलरेडी मैं काफ़ी कुछ आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, हमने IFFI के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं तो अब यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। 12th पॉइंट अब हम पढ़ते हैं, 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस और ई गवर्नेंस इनॉग्रेटेड बाय, ई गवर्नेंस क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक लेवल की गवर्नेंस, ठीक है। तो 25वां एडिशन हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऑन ई गवर्नेंस, किसने इसका इनॉग्रेशन किया है, इनॉग्रेशन किया गया है बाय यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है। कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में, थीम क्या था, वेरी इंपॉर्टेंट, ई गवर्नेंस के जो कॉन्फ्रेंस का थीम है क्या है, ब्रिंगिंग सिटीजन्स इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट क्लोजर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, थीम्स का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। 13th पॉइंट हमारा आता है, बट वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ KVIC क्या है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इसके CEO कौन बने हैं, विनीत कुमार बने हैं। और जो ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है किसके अंडर आता है, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ MSME,
ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के मिनिस्ट्री के अंडर आता है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इसके सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं, विनीत कुमार। चलिए 14 पॉइंट, लास्ट पॉइंट नहीं है, इसके बाद अभी एक पेज और है, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें, काफ़ी अच्छे खासे करंट अफेयर्स आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। बट 14th पॉइंट कवर करने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, प्लस जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, वो सब मैं वहाँ पे सॉल्व कर दूंगी। एंड बिलीव मी, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पे आपको नोट्स मिल रहे हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। देखिए, जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी वो पीडीएफ फॉर्म में होंगे, उन्हीं नोट्स के थ्रू मैंने अपनी यूट्यूब वीडियोस पे पढ़ाया है, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको कहीं भी कोई डाउट रहता है, आप नोट्स में आपको कहीं समझ नहीं आ रहा कुछ, तो आप उसी टॉपिक की वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पे, तो आपका वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, बहुत ही कम प्राइस में आपको नोट्स भी मिल रहे हैं, पूरा सिलेबस के नोट्स मिल रहे हैं, प्लस दूसरी चीज़ आपको वीडियोज़ भी साथ में मिल रहे हैं, आपका डाउट जो है वो भी क्लियर कर दिया जाएगा वीडियोज़ में। तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा कोर्स बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस में मिल रहा है, तो मुझे लगता है आपके लिए काफ़ी अच्छी डील है। वैसे मेरा सजेशन यही रहता है कि आप लोग नोट्स अपने आप बनाएं, बट इन केस आप बिजी हैं, टाइम नहीं है नोट्स बनाने का, तो उस केस में आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। फाइन, 14th पॉइंट देखते हैं, शत्रुनाश। शत्रुनाश क्या है? इट इज़ एन इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज। फायर पावर एक्सरसाइज है इंटीग्रेटेड शत्रुनाश। कहाँ पे हुई है? थार डेजर्ट राजस्थान में हुई है, और इंडियन आर्मी की ये एक्सरसाइज है, याद रखना है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ हमारा ये पेज भी हो गया कंप्लीट, अब हमें सिर्फ एक पेज रहता है कवर करने के लिए, तो थोड़ा पेशेंस बना के रखें, पानी वानी पीना है तो पी लीजिए, ठीक है। बट वीडियो एंड तक देखें, सुबह सुबह आपने कहा था कि मैम सुबह वीडियोस अपलोड करें, तो मैंने आज सुबह उठ के नोट्स बनाए एंड देन अभी वीडियो बना रही हूँ। आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा अपलोडिंग में, बट अभी अप्रॉक्सीमेटली 8 भी नहीं बजे हैं सुबह के, है ना, 8:15 हुए हैं, तो मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी अपलोड करूँ, क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि सुबह आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, तब से मेरी कोशिश रहेगी सुबह अपलोड करूँ, बट थोड़े से काम भी रहते हैं घर पे तो फिर नहीं हो पाता, बट मैं कोशिश करूंगी। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। दिस इज़ द लास्ट पेज, राइट, यहाँ तक पहुँच गया, मतलब बहुत मेहनती हैं आप, हमेशा की तरह लास्ट पेज में मैं सबसे बेस्ट करंट अफेयर्स लिखती हूँ, ठीक है, तो ताकि सबसे मेहनती लोगों को ही वो पॉइंट्स मिले। तो पहला है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, FTA शॉर्ट में बोल लीजिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में, मतलब व्यापार करेंगे तो टैक्स वगैरह नहीं लगेंगे, समझ रहे हैं? तो किस किस फील्ड में? टेक्सटाइल्स, लेदर, फर्नीचर, ज्वेलरी, ये मोटे मोटे फील्ड्स हैं, और में भी हुआ है, बट क्वेश्चन आ सकता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कौन सी दो कंट्रीज के बीच में साइन हुआ है, तो आपने याद रखना है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। 16th पॉइंट देखते हैं, 2022 JCB प्राइज फॉर लिटरेचर। पहला तो क्वेश्चन ये बनता है कि JCB प्राइज कौन से फील्ड में दिया जाता है, एजुकेशन में, आर्ट में, कल्चर में, लिटरेचर में? लिटरेचर में दिया जाता है, ठीक है। 2022 का ये जो एडिशन है, 2022 का जो प्राइस है, किसे दिया गया है? द पैराडाइज ऑफ फूड। द पैराडाइज ऑफ फूड इज अ बुक विच इज ऑथर्ड बाय खालिद जावेद। ये एक बुक को दिया गया है, द पैराडाइज ऑफ फूड, ये बुक जो लिखी है इसके ऑथर हैं खालिद जावेद। और इस प्राइज में क्या मिलता है? 25 लाख रुपए मिलते हैं, साथ में ट्रॉफी मिलती है, ठीक है, समझ गए। JCB प्राइज लिटरेचर के लिए दिया जाता है, द पैराडाइज ऑफ फूड को दिया गया है। इसी के साथ वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो अभी के अभी लाइक करें सारा काम छोड़ के, ठीक है। 17th पॉइंट हमारा आता है, प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान। हमेशा कहती हूँ, इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप अपने सामने लगाएं, प्रॉपर स्टडी टेबल नहीं है तो अपना एटलस अपने पास में रखें, अभी फटाफट अपना गूगल एटलस, आपका जो गूगल एटलस नहीं, सॉरी, ऑक्सफोर्ड एटलस अपना खोलें, वहाँ पे देखें कजाकिस्तान कहाँ पे है, ठीक है। पहली चीज़ तो प्रेसिडेंट जो है कजाकिस्तान के कौन बने, पहले न्यूज़ तो ये है, तो वो है सॉरी कासिम जोमार्ट, तो वो हैं कासिम जोमार्ट, ठीक है। कितने परसेंट वैलिड वोटिंग मिली है, यानी 81% वोट से ये जीते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। इनका आई थिंक सेकेंड टर्न हो रही है, इससे पहले भी यही थे कासिम जोमार्ट, इनका टर्म 7 ईयर्स कर दिया है। पहले देखिए, जो प्रेसिडेंट था कजाकिस्तान का, उनके टर्म होता था 5 सालों का, बट अब वो बढ़ा के 7 साल कर दिया है। कजाकिस्तान जो है, इसकी कैपिटल है अस्ताना, ये एक एशियन कंट्री है, एशिया में ही है, करेंसी यहाँ पे जो यूज़ होती है वो है टेंगे। तो इस तरह से एडिशनल इन्फॉर्मेशन ही आपके लिए हो गई, बाकी आप प्रेसिडेंट का ध्यान में रखें,
ठीक है, चलिए 18th पॉइंट आज का देखते हैं। नेशनल स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार, ये जो नेशनल स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार है किसे दिया गया है? अ टोटल ऑफ 39 स्कूल्स, 39 स्कूल्स के नाम तो हम नहीं याद कर सकते, तो आपने याद रखना 39 स्कूलों को दिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कन्फर्ड बाय, किसने दिया है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन, इन्होंने दिया है। कहाँ दिया है? इन आकाशवाणी भवन दिल्ली में डिक्लेयर किया गया, राइट। वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो अभी के अभी लाइक करें। 19th पॉइंट आता है, टू प्रमोट गुड गवर्नेंस एंड अवार्ड स्कीम इज लॉन्च्ड बाय, अब एक अवार्ड जो है घोषित किया गया है, उसमें क्या है कि जो प्रमोट करेगा गुड गवर्नेंस को उसको वो अवार्ड दिया जाएगा। तो प्रॉपरली ये किसने जो है अनाउंस किया ये स्कीम? हरियाणा गवर्नमेंट ने। आई थिंक हमने पहले भी डिस्कस किया है बट दूसरी बार यहाँ पे जिक्र हुआ, मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। 20th पॉइंट हमारा, फर्स्ट इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एक्सपोर्ट्स वीक 2023। अब देखिए इतने सारे वीक्स हम पढ़ते, न्यू बॉर्न वीक है, ये है वो है, तो अब 2023 के एक वीक का जिक्र हो रहा है तो पढ़ना तो पड़ेगा। पहला है ये, पहला एडिशन है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एक्सपोर्ट्स वीक। एक्सपोर्ट आप समझते हैं ना, एक्सपोर्ट होता है हिंदी में तो पता नहीं, पर जैसे हमारे देश से बाहर की तरफ हम कोई चीज़ बेच रहे हैं, ठीक है, कॉटन, खाने पीने का सामान, ऑयल, कुछ भी अगर हम बाहर दे रहे हैं तो वो एक्सपोर्ट होता है, बाहर से हम अपने देश में ला रहे हैं तो वो इम्पोर्ट होता है, ठीक है। सो पहला इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एक्सपोर्ट्स वीक 22 से 25 जून 2023 तक ये मनाया गया एंड टू बी होस्टेड बाय सिंगापुर। कहाँ पे होगा? सिंगापुर में होगा। अब आपका काम है सिंगापुर देखिए कहाँ पे, इसकी कैपिटल देखिए, करेंसी देखिए और थोड़ा सा देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात है वहाँ पे, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये तो हमें पता ही है ना। चलिए जिस चीज़ का आपको इंतजार था अब हम वहाँ पहुँच गए हैं। आज का लास्ट करंट अफेयर 21st पॉइंट, स्टेट गवर्नमेंट दैट हैज़ डिसाइडेड टू डबल द पेंशन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स फ्रॉम 10K टू 20K पर मंथ। ऐसी कौन सी स्टेट है जिसने ये डिसाइड किया है कि जो पेंशन है फ्रीडम फाइटर्स की वो 10,000 से 20,000 पर मंथ कर दी जाएगी? तो वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। चलिए इसी के साथ हमारे करंट अफेयर्स हो गए कंप्लीट। वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, सब कुछ समझ में आया हो, नोट्स बनाए हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड आपने नोट्स बनाए हैं या नहीं बनाए हैं मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी के साथ आपके लिए एक क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया? इसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आपने आंसर दिया मतलब आपने पूरी वीडियो देखी है, अदरवाइज नहीं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे ऐसे होते हैं शुरू शुरू में पढ़ते हैं एंड देन ज़्यादा पॉइंट्स हैं नहीं कवर हो पा रहे होते तो वो छोड़ देते हैं, तो आपने ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। So that's it and see you soon.